नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री में चाहते हैं तो ऐसे में अगर आप जियो, वोडाफोन या फिर एयरटेल कोई भी सिम यूज़ करते होंगे तो उसके रिचार्ज प्लान के साथ आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। लेकिन आपको इन तीनों सिम में से किस सिम का रिचार्ज करने में क्या फ़ायदे मिलेंगे, किसको रिचार्ज कराना चाहिए, किसका क्या प्लान है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जिसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको किस सिम में, हो सकता है कि आप तीनों सिम यूज़ करते हो या फिर दो यूज़ करते हो या फिर कोई एक यूज़ करते हो, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस सिम में रिचार्ज कराना है और किसको रिचार्ज कराने से आपको सब्सक्रिप्शन फ्री और ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो तीनों सिम के साथ मैं कंपैरिजन यहाँ पे करूँगा, तीनों के प्लान के साथ कंपैरिजन करूँगा, जिसमें आपको 4G डेटा भी मिलेगा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल भी मिलेगी। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जियो की। तो यहाँ पे अगर आप 28 डेज़ वाले अगर प्लान लेना चाहते हैं तो 499 यानी कि 499 रुपये का प्लान मिलेगा, जिसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन में फ्री मिल रही है। लेकिन इस प्लान में आपको केवल 28 दिन के लिए है और डेली आपको 2 GB तक डेटा मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें जियो TV फ्री मिलता है, जियो सिनेमा भी इसमें आपको फ्री मिलेगा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलेगा और 100 SMS पर डे मिलेगा। लेकिन अगर आप सेम प्लान के साथ वोडाफोन में जाना चाहते हैं तो ये भी 499 का मिलेगा, जो कि 28 डेज के लिए 2 GB पर डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल, 100 SMS पर डे और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का एक साल की सब्सक्रिप्शन इसमें फ्री मिल रहा है। इसके अलावा इसमें आपको बिंगे नाइट यानी कि 12 बजे रात से सुबह 6 बजे तक आप फ्री में डेटा यूज़ कर सकते हैं वोडाफोन में, और इसमें आपको डेली 2 GB तक डेटा मिल रही है। अगर आप डेली 2 GB तक डेटा खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो सारा डेटा आपको ऐड होता जाएगा और हफ्ते के लास्ट में आपको वो सारे डेटा मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो अपना मोबाइल फ़ोन अपडेट कर सकते हैं, मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये सारे डेटा आपको वहाँ पे आपका कलेक्ट होके वीकली मिल जाएगा। तो अगर आप एयरटेल में जाना चाहते हैं तो 499 का इसमें भी प्लान है, 28 दिन के लिए 2 GB तक पर डे डेटा आपको मिलेगा। इसके अलावा डिज्नी प्लस हॉटस्टार का आपको एक साल के सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। इसके अलावा इसको आप रिचार्ज करते हैं तो 100 रुपये कैशबैक आपको मिलेगा फास्टैग पे, और विंक म्यूजिक इसमें आपको फ्री मिलती है। लेकिन आपको लगता है कि इस प्लान में आपको 2 GB तक डेटा आपको कम पड़ रहा है, तो ऐसे में अगर आप 3 GB पर डे वाला डेटा चाहते हैं तो आपको जियो में 601 रुपये मिलेगा, जिसमें 28 दिन के लिए प्लान है और 3 GB आपको रोज डेटा मिलेगा। सेम चीज़ आपको वोडाफोन में मिल जाता है, 601 रुपये का प्लान है, 28 दिन के लिए 3 GB पर डे डेटा मिलेगा। लेकिन एयरटेल में जाते हैं तो 599 का सेम प्लान है, 28 दिन के लिए 3 GB पर डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे बस 2 रुपये तक सस्ती आपको एयरटेल मिल रही है। लेकिन जियो का रिचार्ज कराते हैं इस प्लान में आपको तो 3 GB रोज डेटा मिलेगा, इसके अलावा 6 GB एक्स्ट्रा आपको इसमें मिल रही है। लेकिन वही अगर आप चाहते हैं कि 28 दिन वाला प्लान नहीं चूज़ करना चाहते हैं, 56 दिन वाला प्लान यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप जियो में आपको 799 यानी कि 799 रुपये का प्लान मिल जाएगा, जिसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, 56 दिन के लिए प्लान है, 2 GB पर डेटा मिल जाएगा। लेकिन वही अगर आप वोडाफोन में जाते हैं तो ये 901 रुपीज़ यानी कि 901 रुपये का प्लान है, लेकिन ये आपको 56 दिन नहीं बल्कि 70 दिन दे रहा है और 3 GB पर डेटा आपको इसमें मिल रहा है। लेकिन वही अगर आप एयरटेल में जाते हैं तो 838 रुपये का ये प्लान है, जो कि 56 दिन के लिए और 2 GB तक पर डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे इन तीनों प्लान की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सस्ती वोडाफोन पड़ रही है, क्योंकि अगर आप जियो को देखेंगे तो यहाँ पर डे के हिसाब से 14 रुपये 26 पैसे होते हैं, वोडाफोन में 12 रुपये 87 पैसे होते हैं, लेकिन वहीं एयरटेल में पर डे 14 रुपये 96 पैसे होते हैं। तो इस हिसाब से आपको वोडाफोन यहाँ पर काफ़ी सस्ती पड़ रही है और इसमें आपको 3 GB तक डेटा भी मिल रही है। तो इस प्लान के साथ इसमें आपको वोडाफोन सस्ती मिल रही है। तो ये अगर आप चाहते हैं कि 84 दिन वाला प्लान चूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे में जियो में आपको 1066 यानी कि 1066 रुपये का प्लान मिल जाएगा, जो कि 84 डेज़ के लिए ये प्लान है और इसमें आपको 2 GB पर डे डेटा मिलेगा। तो वोडाफोन में आप जाते हैं तो उसमें भी आपको 1066 का प्लान मिलेगा, 84 दिन के लिए 2 GB पर डेटा मिलेगा। तो एयरटेल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको 839 यानी कि 839 रुपये का आपको ये प्लान मिलेगा, जो कि 84 दिन के लिए और इसमें भी आपको 2 GB तक पर डेटा मिलेगा। यहाँ पे इस प्लान में 84 दिन वाले प्लान में आपको एयरटेल काफ़ी सस्ती पड़ रही है, और इसके अलावा एयरटेल में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ साथ इसमें एक्सट्रीम मोबाइल पैक भी मिलेगा, यानी कि सोनी लिव या फिर एरोज नाउ, इन दोनों में से किसी एक का सब्सक्रिप्शन भी हॉटस्टार के साथ इसमें मिल रहा है। तो यहाँ पे लगभग 227 रुपये तक सस्ती एयरटेल पड़ रही है 84 दिन वाले प्लान में। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, तो अगर आप IPL देखना चाहते हैं और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अपने रिचार्ज प्लान के साथ, तो यहाँ पे मैंने आपको 28 दिन, 56 दिन और 84 दिन वाले प्लान में बता दिया है कि किसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन एक साल के लिए मिल रहा है। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का अलग से सब्सक्रिप्शन लेने से अच्छा है कि आप रिचार्ज प्लान के साथ ले लें, ये आपको सस्ती पड़ेगी। तो इनमें से कौन से कंपनी का आप सिम यूज़ करते हैं या फिर किसका रिचार्ज कराना आप पसंद करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आपको लगभग तीनों के प्लान लगभग सेम है, लेकिन
कुछ जगह पे, जैसे कि अगर आप 56 दिन वाला प्लान लेते हैं तो वहाँ पे वोडाफोन थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है, 84 दिन वाला कराते हैं तो वहाँ पे आपको एयरटेल थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है। इसके अलावा 28 दिन का कराएंगे तो तीनों का आपको सेम देखने को मिल जाएगा। तो जो आपको अच्छा लगे, जो आप सिम यूज़ करते हैं या फिर जहाँ पे आपका नेटवर्क जिस एरिया में रहते हैं अगर उसका नेटवर्क जिस भी सिम का अच्छा हो उसी में आप रिचार्ज कराइएगा, नहीं तो आप डेटा यूज़ नहीं कर पाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा सस्ता प्लान लेने से। तो जिसका भी नेटवर्क आपके एरिया में स्ट्रांग हो उसी सिम में आप रिचार्ज कराइएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।